3D ज्योमेट्री 12 का दो दो चैप्टर इसमें पढ़ा जाता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है प्लेन। ठीक है, टोटल मिला के दोनों मिला के हम लोग को पढ़ना है 20 फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम लोग 20 फॉर्मूला पढ़ेंगे, 20 फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बेस्ट का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सब कुछ आना चाहिए ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन, कोई लाइन है इस पर का कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है मेरे पास x1, y1 और z1। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग को दिया हुआ है a b और c, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो के बारे में पता है क्या होता है? नहीं पता है, अगर मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, z1, x2, y2 और z2, अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है इसका बोलो, डिस्टेंस, तो फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यह है ना, सब जो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ भी यूज होगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो पॉइंट डिस्टेंस से निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला नंबर टू देखो ना, सेक्शन फॉर्मूला क्या है बताओ, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला तो ठीक से देखो, ये वेक्टर में भी पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला। हां, सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ा है, x1 y1 z1, और इसका पॉइंट है मान लो x2 y2 और z2, और ये पॉइंट है मान लो x y और z, ये पॉइंट है m1, ये पॉइंट क्या बोलते हो m2 ना, और m1 m2 बता दो, x y z अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो आप लिखो x = इधर वाला को इधर से इनटू करते हैं, इधर वाला को इधर से इनटू करते हैं ना, क्या लिखेंगे m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, y इक्वल टू क्या होगा तो m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ये ठीक से इसको समझो, इधर वाला के इधर से इनटू करेंगे, इधर वाला से इधर इनटू करेंगे, अगर x फाइंड कर रहे थे इधर वाला इधर x के साथ इनटू, इधर वाला x के साथ इनटू, अगर y फाइंड कर रहे थे इधर वाला y के साथ इनटू, इधर वाला y के साथ इनटू। ठीक है, अब फिर z इक्वल टू क्या होगा तो z इक्वल टू क्या होगा m1 z2 + m2 z1 / m1 + m2। आगे बात, दो फॉर्मूला क्लियर है, तो दो फॉर्मूला को पहले जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, इसको देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, x = क्या होता है नीचे देखो, x = x1 + x2 / y2 y = y1 + y2 / 2। ठीक है, z = z1 + z2 / 2। ठीक है, x y z निकाल दिया हम लोग का, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखो, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर फोर, फॉर्मूला नंबर फोर, मान लो कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई क्या दिया हुआ, तो कोई ट्राइंगल दिया हुआ है a x1 y1 y1 और z1। ठीक है, b दिया हम लोग के पास x2 y2 और z2, सी दिया हम लोग के पास x3 y3 और z3। ठीक ना, समझ रहे हो, ये तीन पॉइंट दिया हम लोग के पास, मिड पॉइंट है, क्या बोलिए मिड पॉइंट, मान लेते हैं कि def है, def मिड पॉइंट है, सामने दो वर्टेक्स को से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक ना, एक पॉइंट पे मिला, ये x y और z है, ये अगर मेरे पास सेंट्रोइड है, क्या है बताओ, सेंट्रोइड है, एक्स वाई जेड क्या पॉइंट बताओ, सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड अगर हमको फाइंड करना है एक्स वाई जेड, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे x = x1 + x2 +
एक्स थ्री वाई थ्री, वाई इक्वल टू क्या बोले तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री वाई थ्री, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या बोले तो जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री वाई थ्री, ठीक है। एक्स वाई जेड निकल गया हम लोग के पास, समझ रहे हो। अब देखो नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर ध्यान से देखना। कोई लाइन है, कोई लाइन है, लाइन का वेक्टर दिया हुआ है, लाइन का क्या दिया हुआ तो वेक्टर दिया हुआ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, लाइन का वेक्टर दिया हुआ है। लाइन का जब वेक्टर दिया रहता है ना तो उसका आगे वाला जो नंबर रहता है ना वो डायरेक्शन रेशियो रहता है। डायरेक्शन रेशियो हो गया हम लोग के पास, डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया हम लोग के पास, डायरेक्शन रेशियो हो गया ए बी और सी, ठीक है। एक और डायरेक्शन रेशियो निकलता है दूसरा मेथड हो, अगर मान लो दो पॉइंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ तो दो पॉइंट दिया हुआ एक्स वन वाई वन और जेड वन, दूसरा पॉइंट दिया हुआ एक्स टू वाई टू और जेड टू, तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ए बी सी से नोट करते हैं, क्या से नोट तो ए बी सी से, या ऊपर लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी और सी से। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ए इक्वल टू निकालना है एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, बी निकालना है तो क्या होगा बोलते वाई टू माइनस वाई वन होगा, सी निकालना है तो क्या होगा जेड टू माइनस जेड वन होगा, बस उसका कोएफिशिएंट माइनस, हाँ माने कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। बात को समझ रहे हो, हाँ। सेवन नंबर है तो डायरेक्शन कोसाइन, क्या लिखा बोलते डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ध्यान से देखो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम और एन से डिनोट करते हैं, एल क्या होता है ध्यान से देखो, अगर तुमको डायरेक्शन रेशियो पता है किसी भी मेथड से, दो पॉइंट पता है तब या वेक्टर दिया हुआ है तब, या ये भी समझ सकते हो कि अगर तुमको डायरेक्शन रेशियो पता है तो इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन बता सकते हो, कैसे बता सकते हो बताओ ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, समझ रहे हो। तो एक ही चीज है, मतलब ये बोल सकते हो कि लाइन का जो वेक्टर बना होता है, लाइन का जो वेक्टर बना होता है वो डायरेक्शन रेशियो से बनता है, डायरेक्शन रेशियो से बनता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है, देखो डायरेक्शन कोसाइन लिख लो एक बार, डायरेक्शन कोसाइन को एक बार सीख लिख लो कि ए बी सी अगर पता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी पता है तो डायरेक्शन कोसाइन जो एलिमेंट होता है एल कैसे निकलता है, एल कैसे निकलता है ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एम कैसे निकलता है बताओ, बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही लिखेंगे, सी में क्या होगा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एन निकलेगा, बात को समझ रहे हो, बात को समझिए। एल एम कैसे निकलेगा, एल निकलेगा ए बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी बाई सी बाई, ठीक है। एल एम निकल गया, कोई दिक्कत परेशानी बोलो, तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन दो चीज आता है, बार बार वर्ड यूज होगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ठीक है।